सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपको। हसन जावेद की तरफ से आदाब। जनसंपर्क अभियान के तहत आज मैं दिगल बैंक के धनगरा पहुंच चुका हूं। धनगरा में एक बहुत नायाब चीज़ देखने को मिला है, हालांकि इसके बारे में सुनते थे, आज हम आकर के उसको निहार रहे हैं। ये धनगरा मिडिल स्कूल को आपको हम दिखा रहे हैं, जो ज़िले का सबसे आइडियल स्कूल माना जाता है। तो एक ऐसा गाँव जो जहाँ पर एक ऐसा पंचायत जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का शानदार हाई स्कूल होना अपने आप में बहुत बड़ी और खूबी की बात है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं उस हाई स्कूल के अंदर की कहानी और उस हाई स्कूल में क्या क्या ख़ास सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर इस हाई स्कूल को आप देखिए और अपने स्कूल को भी इसी तरह से संवारने सजाने के बारे में सोचिए। और जो भी शिक्षक साथी देख रहे हैं उनसे भी ये उम्मीद है कि इसी तरह का स्कूल बना करके सोसाइटी को दें और एक नई मिसाल पेश करें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ के दरों दीवारों में कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे। दिन के नाम सातों पिलर पे के ऊपर में लिखे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। हर पिलर में फिर जानवरों के नाम लिखे हैं, अल्फ़ाबेटिकली जो जो वर्ड होते हैं देख करके पढ़ सकते हैं। और इस ये पुनपुन भवन है, इस पुनपुन बिहार की एक प्रमुख नदी है, तो वहाँ पे भी आप उस भवन के दरो दीवारों को देखिए। ट्रेन नुमा है, राजधानी एक्सप्रेस नुमा है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस नुमा है यहाँ ये भवन है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके अंदर का भी अगर हाल आपको हम दिखाएं। हालांकि 15 अगस्त को लेकर के स्कूल में डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, पर देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये धनगरा हाई स्कूल का हाल है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल का दर्जा मिला है इसको, जो बेहद खूबसूरत है। इस तरह के स्कूल ज़िले में चार हैं, जिनमें से एक ठाकुरगंज का सखवा डाली और दिगल बैंक का ये धनगरा, उसके बाद कोचाधामन के मोहनमारी, तीसरा हाई स्कूल है सोनथा के गढ़गांव का। तो जिसे देख करके आपको प्राउड फील होगा, ये सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे टीचर अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर स्कूल को इस तरह से सजा करके रखते हैं, जिसका कोई सानी नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले भी देख करके जलेंगे या ललचाएंगे। तो हम बाल रसोई घर देखे, जो बहुत ही वेल फर्निश्ड माना जाता है यहाँ का। उसके बाद अलग अलग तरह के फूलों की क्यारी है, टॉयलेट बाथरूम है जहाँ पर नेपकिन वगैरह से लेकर हर एक तरह की सुविधाएँ हैं। फूलों को देखिए आप, हम सीधे हेडमास्टर के चैम्बर में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सजेशन बॉक्स देख सकते हैं, ऐसा किसी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ हर स्कूल के अपने अपने वो हैं, वार्डरोब हैं। इधर देखिए सब का एकदम कोवर्ड है, यहाँ पे आप लंच बॉक्स वगैरह किताबें सारी चीज़ रख सकते हैं। तो ऐसा स्कूल आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ऐसे स्कूल को अगर आइडियल ना माना जाए तो फिर किसे माना जाए। तो हमारे साथ इस स्कूल के हेडमास्टर वली आजम साहब जुड़ेंगे। आप उनका चैम्बर देखिए कितना खूबसूरत है। आप यहाँ के दरों दीवारों को देखिए, मुख्यमंत्री हर तरह की चीज़ों से यहाँ पर सजाया गया है। उतना ही नहीं, यहाँ पे बैटरी बैकअप भी है, साउंड सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बड़े बड़े महापुरुषों के नाम भी हैं। तो ये ताला चाबी का खजाना भी देख लीजिए इनका चैम्बर। तो हमारे साथ सर जुड़े हैं और हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि भाई सिर्फ हम बता रहे हैं या कुछ हकीकत भी है। कब आप सर यहाँ ज्वाइन किए इस स्कूल में? सर हम 16 मई 2016 को पदाना जाकर पद पर इस विद्यालय में योगदान किए। अच्छा, तब क्या स्थिति थी और आप क्या है? आप क्या है वो दुनिया देख रही है, तब क्या स्थिति वो बदल गई? स्थिति ये थी कि जिस कुर्सी में बैठा हूँ, ये कुर्सी जरूर थी, हाँ, लेकिन इसके साथ एक तीन पाए का टेबल था। ऐसी बात नहीं कि इससे पहले जो शिक्षक थे वो कुछ करना नहीं चाहते थे, हाँ। उनका जो सहयोग हमको मिला है हम कदापि नहीं भूल सकते। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अगर मैं विद्यालय में रहता हूँ तो आज मैंने हमको लगता है कि 60% टीचर तो कम से कम, जब तक मैं नहीं जाता हूँ तब तक वो घर नहीं आते।
इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक स्वयं सेवक हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, उनकी तो खैर बात ही कुछ मेरा नहीं। अच्छा। मैंने यूँ समझिए कि मैं अगर पहुँचता हूँ तो वो भी पहुँचते हैं, मैं निकलता हूँ तो वो भी निकलते हैं। वाह वाह क्या बात है, इतना सपोर्ट मिलता है आपको। इतना सपोर्ट मिलता है, उतना ही नहीं गांव का भी बहुत सपोर्ट है। अच्छा। लोग कहते हैं कि गांव से समाज से सपोर्ट नहीं मिलता, हमको तो बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर आप पंखा देख रहे हैं स्कूल में, ये मेरे बाप के घर का नहीं, गांव से मिला है। अच्छा, गांव से मिला जी। मैंने कई लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, डोनेट जब जरूरत पड़ती है, बस सिर्फ कहने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। व्यवस्था हो जाती है। बच्चे बहुत परेशान थे कि भाई हमको पंखा नहीं है, किस प्रकार क्लास में बैठे हम लोग। अब तो खैर थोड़ा दो साल से हम लोग को एसेट्स भी कुछ मिला, लगभग 75,000 रुपया अगर मिलता है तो कुछ राहत मिल गई है। अब तो खैर काम करने में कुछ ज़्यादा आसानी हो गई है, लेकिन मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ जब मैं 16 में आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा। लोगों के सहयोग से ही इतना कुछ मिला। इस बीच मैदान में एक छोटा सा टुकड़ा कमरा था, टूटा हुआ था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी कि इसको हटा दे। अच्छा। जो बदनुमा दाग था इस। अच्छा। वो सबके सहयोग से वो सब हटा और उसी का मलवा का आप ये निशानी देख रहे हैं, ये चारों तरफ जितना रोड देख रहे हैं ये सब उसी का मलवा है। अच्छा, ये बात है। अब हम आपको मतलब हम ये जानना चाहेंगे, इतने सालों में आपने स्कूल को इस लेवल पर पहुँचाया, अब स्कूल का आउटपुट लेवल क्या है वो बताइए, जो समाज को आपने दे रहे हैं आप। अब मैं इतना ही बताऊं आपको। कि अभी तक आप खुल के बोले, खबर सीमांचल के साथ ही जानते ही हैं वैसे भी। नहीं, वैसे मैं खुल के मैंने सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें कहीं कोई ढकी छुपी बातें नहीं है इसमें। जब मैं आया था इस स्कूल में 55 या 56 बच्चे थे, और आज के डेट में 566 बच्चे नामांकित हैं। अच्छा। और 566 बच्चे में आप जब भी आएंगे नियर अबाउट 500 बच्चा आपको जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। अब ये छोटी सी बात है। नहीं, ये छोटी बात है, बड़ी बात है। नहीं, छोटी बात इसलिए है क्योंकि ये बच्चे केवल आते ही नहीं। मैंने लोगों को शिक्षा के प्रति इतनी जागृति हो गई है कि इस गांव में आप अगर घूमेंगे तो आपको कम से कम 10-12 ट्यूशन सेंटर मिल जाएंगे अभी। अच्छा। कि भाई बच्चा को अब कंपटीशन की भावना में सब एक दूसरे के साथ किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो हर गार्जियन अब चाहते हैं कि हम बच्चे को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी दें स्कूल के लिए। अच्छा। स्कूल में जो मिलता है तो मिलता ही है, अगर सप्लीमेंट अलग से मिल जाएगा तो बच्चे मेरे आगे आ जाएंगे। कुछ बच्चों को तो मैं इत्तफाक है अभी स्कूल बंद है, वैसा बच्चा को भी मिला था जब मैं आया था, उसको देख के लग रहा था कि शायद ये इसका ब्रेन ही नहीं है। चलिए बाहर आइए, हाँ तो बात करते हैं हम लोग। वाकई वो बच्चे अब ऐसे निकल गए कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बच्चे इतने अच्छे कैसे हो। होनहार एक बच्चे की राइटिंग तो ऐसी मिली हमको कि मैं खुद अस्तब रह गया कि भाई ये इस तरह से कैसे लिख पा रहे हैं। मैंने अच्छे अच्छों की भी वो खबर ले सकते हैं। अरे वाह। और वो सिर्फ 5 क्लास का बच्चा। अच्छा। तो बात है कि कितनी मेरी सोच है, अब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, कोशिश जारी है। हाँ, कोशिश जारी है। 2 बोर्ड लगा हुआ है हम लोग है कि जो मंथली टेस्ट लेते हैं उसी के लिए बनाया गया है कि जो मंथली में हर क्लास में जो टॉपर होंगे तो उसका नाम यहाँ पर चश्मा होगा, डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा। दोनों बोर्ड इस तरह से है, और एक अटेंडेंस के लिए है, एक उनके रिजल्ट के लिए, उसके रिजल्ट के लिए, हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए बच्चों के लिए बनाया गया। तो अब ये कुछ चीज़ें आप छुपी हुई भी देखते हैं, ये गंडक नदी का मतलब ये खंड है, अभी पेंट में थोड़ा सा। गंडक नदी में वैसे भी बाढ़ आया हुआ है। पुनपुन का हाल, सभी नदियां हैं, पुनपुन का हालत ठीक है। पुनपुन उधर कोसी भवन है, कोसी है, महानंदा है, ये महानंदा जी, अब महानंदा चमक रहा है जबकि कटाव से यहाँ के सेंस के लोग प्रभावित हैं। एक बड़ा दिलचस्प कहानी ये भी है कि अगर ये इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा ना मिलता तो यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते। अब हम आपको बता रहे हैं जो भी इलाके के लोग इस हालात को जानते हैं, बाधवगंज आखिर क्यों बदहाल है हम उसकी एक मिसाल बता रहा हूँ। यहाँ से पत्थरगट्टी लगभग 10-7 किलोमीटर दूर है, लगभग तुलसिया 10-7 किलोमीटर दूर है, उसी तरह से बाधवगंज है। इस दरमियान कोई हाई स्कूल नहीं है, ठीक है। बीबीगंज, तुलसिया, बहादुरगंज, उसके अलावा कोई हाई स्कूल नहीं है। पहली बार इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा मिला है, तो अब आप सोच सकते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास की कहानी क्या है। ये सरकार की पॉलिसी है कि यहाँ पे इसको मिल गया, वरने तो यहाँ के बच्चे भी दूर जाते, और इस स्कूल के चमकने से ये गाँव में भी रोशनी पहुँच रही है। अब आप सोचिए कि एक दर्जन ट्यूशन सेंटर इस गाँव में चल रहे हैं और वहाँ के बच्चे, गांव के सभी बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। 500 से अबव बच्चे हैं और जो रोज़ाना हाजिर होते हैं।
तो कुछ ऐसी चैलेंजेस भी आए होंगे लाइफ में आपको? नहीं, अब तक तो हमको शुरू नहीं, चैलेंजेस इसलिए नहीं आया कि जब मैं आया तो मेरी एक सोच थी कि समाज से आप तब तक कुछ नहीं पा सकते हैं जब तक आप कुछ देते नहीं हैं। अभी की स्थिति है, लोग कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, मीटिंग बैठाते हैं, झंझट होती है, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है, सब लोगों का पूर्णतः सपोर्ट रहता है। अच्छा, ये बड़ी बात। हाँ, और उतना नहीं, मैं बच्चों के बारे में जो आप बात कर रहे थे अभी, हाई स्कूल के बारे में दिक्कत तो थी। हाँ, हाई स्कूल हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है। राहत की बात इसलिए नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ कि 2-3 दिनों में ही पिछले साल जो बच्चे हमारे 8 क्लास में पास किए थे वो नामांकित नहीं हो सके हाई स्कूल तुलसिया में। अच्छा। आने जाने के लिए सामाजिक परेशानियाँ कुरीतियाँ हैं हमारी। हाँ, उसके वजह से भी, सोच के वजह से भी वो बच्चे अभी कॉन्टेक्ट किए हैं कि इस साल जब नामांकन होगा तो हम पिछला साल के जरूर हैं, लेकिन हमको 10 या 11 मतलब बच्चे हो चुके हैं। एक साल उनका गैप इस चक्कर में हो गया कि इतना दूर कैसे जाएंगे, दूर कैसे जाएंगे, सामाजिक तौर पर भी, मैंने कई बातें हैं उसमें। अब और एक ट्रेजिडी बता रहा हूँ, यहाँ से करीब में गुरुमारा है, जब बांस की झाड़ी के नीचे सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों का क्लास लेते हैं। कई तस्वीरें हम आपको खबर सीमांचल में दिखा चुके हैं। एक यहाँ आइडियल स्कूल है, एक वहाँ फटेहाल हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। अब आप बताइए कि वहाँ भवन नहीं है, यहाँ पे भवन बन रहा है और बहुत सारे स्कूल में भवन पर भवन बन रहा है। जिस स्कूल की तो अभी बदकिस्मती ही कहिएगा कि भवन पर भवन नहीं बने हैं, बाकी जगहों पर भवन ही भवन बन रहे हैं, एक उधर भवनहीन है और इसको अभी 2 मंजिला बनने का इंतजार है। तो बहरहाल सर, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देख करके प्राउड फील हो रहा है, बहुत दिनों से आना चाह रहे थे, आज चलते चलते आपसे मुलाकात हो गई। और आप, और हाँ, आप अपने सहयोगी साथियों को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह का स्कूल जिले को सख्त ज़रूरत है, तो ऐसा स्कूल बने, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरा जितना काम है, हम काम के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं किसी का एहसान नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी है कि 9 बजे से 4 बजे तक रहें और जो हम जितना जानते हैं वो ट्रांजेक्शन हम बच्चों तक लेके आए। बिल्कुल। और अपने ही नहीं लाएँ, चूँकि एक हेडमास्टर है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ जितने भी शिक्षक हैं वो भी सभी चीज़ें, वो जितना चीज़ जानते हैं वो बच्चों तक पहुँचाएं। बिल्कुल। और ससमय आए, ससमय जाएं, ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, बस तो इतना ही हमको जो मिला, सरकार ने हमको जिम्मेदारियाँ दी हैं उसको हम बखूबी निभाने का कोशिश करते हैं, बस इतना ही है। अल्लाह से दुआ है कि भाई सही सलामत रहे और इसी तरह करते रहे। और हम तो ये कहेंगे कि हमारे भाई भी लोग हैं, सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाएं, नाम पैदा करके जाएं। और नाम कुछ करने से ही होता है, नाम ऐसे पैदा नहीं होता है, कुछ करने से ही होता है। तो ये मॉडल, आज यही गांव है, कोई ऐसे सभी स्कूल में कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको, इस गांव में एक आदमी नहीं मिलेगा जो मेरे खिलाफ में कहीं कोई बोलेगा, एक आदमी। हाँ, जबकि ग्रामीण कल्चर ये ग्रामीण कल्चर होता है कि कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं बोलना ही बोलना है, बात करने वाले लोग होंगे। हाँ। लेकिन एक आदमी भी, एक फर्द भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर जो मेरे खिलाफ में आपको ये प्राउड फील करने वाले। हाँ, ये हम खुद अपने आप में ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए शायद लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, चोरी चकारी की घटनाएं नहीं होती आपके यहाँ, तो बहरहाल, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये हालात देख करके, ये स्कूल देख करके, आपके गांव का भी स्कूल ऐसा बने, आप भी प्रयास कीजिए, सहयोग कीजिए, ठीक है। खबर सीमांचल आपको हमेशा इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखाता रहेगा और हमारे साथ बने रहिएगा, तो हम आपको बाद में विधानसभा क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की बदहाली दिखाते रहेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगली जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ की एक नई स्टोरी आपको फिर दिखाएंगे। थैंक यू।